हेलो फ्रेंड्स, MSI मोबाइल रेस्टोरेशन में आपका स्वागत है। मैं आज आपके लिए एक नया वीडियो लेकर आया हूँ। जैसे ये हमारा एक मोबाइल है, इसका सिम ट्रे ख़राब हो चुका है, जो सिम कार्ड रीड नहीं कर रहा है। इसका मॉडल नंबर है सैमसंग E1200। इसका जो है तो ये सिम ट्रे ख़राब हो चुका है। इसमें सिम हम डाल रहे हैं लेकिन सिम कार्ड रीड नहीं कर रहा है। तो मैं आज आपको बताता हूँ कि ये सिम ट्रे कैसे चेंज करते हैं। तो हमारा ये वीडियो देखते रहिए और ये सिम ट्रे कैसे चेंज करते हैं आप देख लीजिए। तो चलिए मोबाइल को खोल लेते हैं। ये देखिए, ये हम मोबाइल को खोल लेते हैं। ये देखिए, हमने मोबाइल को खोल लिया। ये देखिए, इसके अंदर हमारा एक सिम कार्ड भी है। इसको ऐसे निकाल लेते हैं। ये देखिए दोस्तों, आपको इसके अंदर हम बता देते हैं कि इसके अंदर कुछ पॉइंट आते हैं। ये इसमें 6 पॉइंट आते हैं, ये 1, 2, 3 और ये 4, 5, 6। लेकिन ये यहाँ से जो है, तो दोस्तों आपको जूम करके बताते हैं, ये यहाँ से जो है तो 2 पॉइंट टूट चुके हैं। ये 1 और ये 2, ये 1 और ये 2 पॉइंट टूट चुके हैं, इसलिए हमारा सिम कार्ड जो है तो इसमें रीड नहीं कर रहा है। तो ये सिम ट्रे हमको चेंज करना पड़ेगा। तो हम आपको आज बताते हैं कि ये सिम ट्रे कैसे चेंज करते हैं। तो चलिए हमारा ये वीडियो देखते रहिए। हम यहाँ पर जो है तो इसको नवा सिम ट्रे डालेंगे, आप देखते रहिए कैसे चेंज करते हैं। ये देखिए दोस्तों, ये हमने सोल्डरिंगन ले लिया है। अब ये ट्रे को हम निकाल लेते हैं। ये हम एक ब्लेड की, जो तो ब्लेड की मदद से निकालेंगे इसको। एक ब्लेड लेंगे, ब्लेड का ये सामने से ये जो कोना है तो इसको थोड़ा तोड़ देंगे और इसको ऐसे, इसको सबसे पहले ट्रे को, ये हमारे PCB को बाहर निकाल ले। अब इसके अंदर इसको ऐसे डाल दें, ये से साइड से इसको डाल दें। पहले साइड के जो दाग है हमारे, पहले इसको निकाल लेते हैं। ये देखिए, जैसे हमारा सोल्डरिंग जो है तो पिघल जाएगा, वैसे वैसे हम इसको आगे लेते रहे। ये देखिए, ये हमारा एक पॉइंट निकल चुका है, इधर से भी एक पॉइंट निकल चुका है। इसको ऐसे आगे पलटाए हम, इसको ऐसे ब्लेड को अंदर ढकेल दे और इधर से ऐसे इसको उठाकर पकड़े और फिर इसको सोल्डरिंग पर, हम सोल्डरिंग से हम डाग ये सिम ट्रे के पॉइंट पर ऐसे टच करते रहे। ये देखिए दोस्तों, हमारा आधा सॉकेट निकल चुका है। अब ये नीचे से भी हम ऐसी इसी तरह जैसे ऊपर से निकाले। ये देखिए दोस्तों, ये हमारा सॉकेट निकल चुका है, ये हमारा सॉकेट निकल चुका है। ये हमने इसको साइड में रख दिया। ये थोड़ा सा ये पेस्ट ले, ये पेस्ट जरा सा यहाँ पर नॉर्मल लगा ले, जिसकी वजह से हम डग अच्छे से मार सकें। ये देखिए, अब हमारे पास में दोस्तों एक नया सॉकेट है, सिम ट्रे है, ये वाला सिम ट्रे। ये देखिए दोस्तों, ये वाला सिम ट्रे है हमारा। अब ये सिम ट्रे हम उसके ऊपर डालेंगे, ये हमारा नवा सिम ट्रे। इसके अंदर देखिए दोस्तों, 6 पॉइंट बराबर है। ये देखिए, 6 पॉइंट इसके अंदर हमारे बराबर है। ये 1, 2, 3 और ये 4, 5, 6 दिखा दोस्तों।
लेकिन इसके अंदर जो है तो हमारे दो पॉइंट टूट चुके हैं। ये देखिए पीछे से बताता हूँ मैं आपको, नहीं पीछे से नहीं, ये देखिए इसके दो पॉइंट हमारे यहाँ से बीच में से टूट चुके हैं, इसलिए सिम कार्ड रीड नहीं कर रहा है। अब इसको हम नवा सॉकेट या नवा ट्रे डाल देंगे। ये देखिए दोस्तों, ये जैसा जो पोजीशन पे था वैसा ही हम इसको रख देंगे, सेम वैसे ही हम इसको वैसा रख के इसको डाग मार देंगे। ये देखिए थोड़ा नीचे भी इसको पेस्ट लगा ले और ये हमारा कथील ले। यस, और इसको थोड़ा ऊपर से प्रेस करना है दोस्तों ताकि डाग अच्छे से बैठ जाए। ये देखिए इसको ऐसे नीचे ऊपर से प्रेस करके डाग मारना है। ये देखिए दोस्तों, ये नीचे से बैठ गया हमारा। ये इधर से भी मार ले, ये ऐसे भी मार ले। ये देखिए दोस्तों, ये हमारा सिम ट्रे बैठ चुका है। अब साइड से इसको सपोर्ट के लिए थोड़ा सा और कतील मार दे ताकि ये सिम ट्रे निकले ना। थोड़ा ऊपर से और इसको भी प्रेस कर ले। ये देखिए दोस्तों, ये हमारा सिम ट्रे बैठ चुका है, न्यू सिम कार्ड। ये हमारा सिम जो सिम ट्रे था पहले का, ये वाला खराब सिम ट्रे, ये हमने इसको नवा सिम ट्रे डाल दिया है। अभी चलिए दोस्तों एक बार इसको चेक करते हैं कि हमारा काम सक्सेस हुआ है या नहीं। ये देखिए हमने इसको बिठा दिया अंदर। ये चलिए, ये हमारे पास में सिम कार्ड है, ये सिम कार्ड इसमें डालते हैं। ये देखिए दोस्तों, ये हमने सिम कार्ड इसको बिठा दिया। अभी चलिए इसको चालू करते हैं। चालू हो चुका है अभी। ये देखिए दोस्तों, ये हमारा सिम कार्ड रीड कर रहा है। अब ये हमारा आइडिया का जो है तो सिम कार्ड है, ये आइडिया लिख कर आ गया है यहाँ पर। ये हमारा आइडिया का नेटवर्क भी आ चुका है। तो इसी तरह दोस्तों आप भी सिम ट्रे चेंज कर सकते हैं। ये हमारा टूटा हुआ सिम ट्रे था, हमने इसको नवा सिम ट्रे डाल दिया। तो हमारा वीडियो देखने के लिए शुक्रिया, और लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।